सी आर सीरीज सर्किट एंड रेजोनेंस। आपकी एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कैसे होगा, कैसे हम बेटे कंप्लीट कर पाएंगे ये सारे का सारा। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट। वी इमेजिन दैट बेटे वी हैव प्योर इंडक्टर एंड वी हैव ए प्योर कैपेसिटर एंड देन वी हैव ए प्योर रेजिस्टर। जरा बेटे देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स इधर। एंड इट इज फेड बाई सम एसी सोर्स। आपने एसी अप्लाई कर रखा है इन तीनों के क्रॉस बेटा डियर चिल्ड्रन। एंड एसी आपका आई दिस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज वेल नोन टू यू। अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस एल, ये सी और ये आर। और आप अच्छे से कर चुके ऑलरेडी। एल इंडक्टर में आपका जो करंट है दैट इज अहेड के बिहाइंड। अरे नहीं, आपके इंडक्टर में वोल्टेज आगे है पुत्र, करंट 90 डिग्री पीछे है। चेक करिए। अरे प्लस माइनस थोड़ी दो कैसे हो सकते हैं बेटा। आपका देखो पुत्र, ध्यान से देखो एक बार। जब आप बात करते हो प्योर इंडक्टर की, प्योर इंडक्टर में आपका जो करंट है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई टू। अगर मैं आई इधर बना लू और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इधर बना लूं तो ये कुछ इस तरीके का इनके रिलेशनशिप रहेगा, राइट। और इन द केस ऑफ द प्योर कैपेसिटर बेटा आपका जो करंट है दैट इज अहेड और बिहाइंड। अरे देखो बेटे, इसमें थोड़ी बिहाइंड होगा, कैपेसिटर में करंट आगे होगा वोल्टेज पीछे होगा पुत्र। चेक करिए एक बार, ऐसा है। लेट मी ड्रॉ दिस बेटे। ये आपका बेटे करंट आ गया, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ गया। जरा चेक करिए, ऐसा है पुत्र। बेटे आपने प्रूव किया है तभी हुआ है, अपने आप थोड़ी हो गया। आपने कल किया तो है, कल किया नहीं आपने तो दैट्स व्हाई। एक बार चेक कर लो, नहीं किया तो मैं करवा देता हूँ, आप चिंता मत करो बेटे। अपने इधर क्या नाम है, भूल जाता हूँ आपका। हाँ बताओ, ये हो गया कि रहता है, मुझे बता तो दो। अच्छा दूसरे वाला हो गया, पहले वाला नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं बेटे, मैं दोबारा बता देता हूँ। दिस इज प्योर रेजिस्टर, इसमें आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट अक्रॉस द रेजिस्टर बेटे इन फेज होते हैं। ये चीज आप कर चुके हो तनवीर पुत्र। ये क्लियर है, हो गया कि नहीं हुआ? हो गया हुआ है, कोई डर वाली बात तो नहीं। अब किस बात का डर बताओ मुझे। हाँ बोलो पुत्र। ऐसे करता हूं मैं, इसको एक बार ना डिस्कस करके मैं 2 मिनट लगा देता हूँ, ठीक है। आइए बेटे अब देखो, ये तीनों में आपको फेज रिलेशनशिप बच्चों दिए गए हैं। हम इन फेज रिलेशनशिप्स को बेटा कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। ये आपके बेटे वर्टिकल एक्सिस हैं और ये आपके बेटे हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं। इन एक्सिस पे मैंने बेटा ये मान लीजिए वी आर कंसिडर किया, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर बेटे, ठीक है जी। रेजिस्टर में, प्योर रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज हैं अभिषेक है। इसका मतलब है कि करंट भी इधर ही होगा, करंट आई भी इसी डायरेक्शन में है। अब डियर चिल्ड्रन ये देखिए, इंडक्टर में आपका वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। करंट आपका ये चल रहा है बेटा, वोल्टेज आपका इंडक्टर का जो है बच्चों, ये मान लीजिए वी एल यहां तक आ जाता है। ये अपने आप 90 डिग्री का एंगल हो गया दोनों में। ये वोल्टेज आ गई, ये करंट आ गया इसका, इसका करंट तो ऑलरेडी इधर ही था, राइट बेटा अभिषेक। तीसरे केस में, प्योर कैपेसिटर के केस में
करंट आपका आगे है, वोल्टेज पीछे है, करंट आपका फिर उधर ही रह गया। इट मींस कि आई विल हैव टू प्लॉट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अलोंग दीज नेगेटिव वाई एक्सिस बेटा, राइट बेटे। अब ध्यान दीजिएगा, इतना ये वेक्टर है सारे, इस वेक्टर को इसमें से बच्चों मैंने माइनस किया, इतना रह गया। ये डियर चिल्ड्रन मेरे पास बन गया जी वी एल माइनस वी सी पुत्र बन गया ये इतना, जरा चेक कर लीजिएगा बेटा ऐसा है, राइट बेटे। और फर्दर मोर बेटा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाली है, अब आपके पास एक ये वोल्टेज वाला वेक्टर है, एक ये वोल्टेज वाला वेक्टर है, आपको इनका दोनों का पुत्र रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, है ना बेटे। करंट तो आपका सारा एक ही डायरेक्शन में ऑलरेडी सेट कर रखा है आपने। नाउ ये दो दो वेक्टर्स कौन से बचे हैं, वी एल माइनस वी सी एंड वी आर, ये डियर चिल्ड्रन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं बेटा। और अगर बेटा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं देन बेटे देयर रिजल्टेंट जो है दैट विल बी गिवन बाई समथिंग लाइक दिस बेटा, इसको मैं ई कह देता हूँ बेटा, ये आपके वी आर का और वी एल माइनस वी सी का रिजल्टेंट हुआ ई। हम इसको लिख कैसे पाएंगे अभिषेक, लिखवाओगे आप उत्तर, बुढ़िया आप लिखवाओगे उत्तर, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट, थम्स अप फॉर यू, आप कहते मुझे पता नहीं सर, बहुत अच्छी बात है बेटे, गुड। ये वोल्टेज जो है आपकी रिजल्टेंट, एक तरह से ये रिजल्टेंट ही हम निकाल रहे हैं दोनों वेक्टर्स का बेटा, दिस इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ये ए आ गया आपका वी एल माइनस बी सी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी कॉस 90, तो जीरो ही हो जाएगा, मैंने वो लिखा ही नहीं बेटा। देन आप क्या करिए, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए करंट की बेटा, आपके पास ई जो है आप लोगों को याद होगा डियर चिल्ड्रन हमने कहा था वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है आई इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा नहीं, इसका एक्सएल होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, और वी सी इट विल बी इक्वल टू आई एंड एक्स सी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हो जाएगा बेटा। आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, तो वी विल बी हैविंग दैट दिस इज इक्वल टू बेटा वी एल इट इज आई इंटू एक्स एल आई इंटू एक्स सी का डियर चिल्ड्रन कंप्लीट स्क्वायर। अभिषेक वी आर को क्या लिखूं उत्तर में, वी इज इक्वल टू सिंपली आई इंटू आर लिख दो, लिखना चाहिए राइट, सो आई इंटू आर का बेटे कंप्लीट स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहां पे भी आई है, इन दोनों में भी है, इट कैन बी एडजस्टेड कॉमनली बेटा, और अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास ई जो है इट विल बी इक्वल टू आई बेटे, आपने कॉमन एडजस्ट किया इन द स्क्वायर रूट टर्म, आपके पास एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, वेरी नाइस, ये चीज आ गई जी। अब बेटे इस आई को मैं लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लू बेटा, और जब मैं लेफ्ट साइड पे बेटे एडजस्ट करूंगा लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर, आपके पास बच्चों बन जाएगा E अपॉन I, इट इज द सिंबॉलिक ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज V अपॉन I, एंड ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास बन गया जी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस उत्तर R का स्क्वायर, बनाइए V अपॉन I तो हमारा R होता है बेटा। अब जरा समझने वाली बात यहाँ पे ये है, आपका ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, इसका इंडक्टेंस भी है, मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ऑफर कर रहा है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस भी ऑफर कर रहा है और रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है। तो जब ऐसा सर्किट हो तो वो जितनी भी बेटे अपोजिशन ऑफर करेगा उस अपोजिशन को हम इम्पीडेंस कह देते हैं, जेड कह देते हैं। ई अपॉन आई जो है दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस जेड ऑफ द सर्किट, the term is called impedance, it is impedance of the circuit, z se aap denote karoge and it will be equal to beta dear children it is your xl ka square
सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर प्लस आर का स्केयर ऑल अंडर द रूट, तो ये आपके प्योरली एलसीआर सीरीज सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको बच्चों मिल गया। यहां पर साथ ही साथ मैं एक और टर्म डिफाइन करनी चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस। एडमिटेंस जो है वो आपके इंपीडेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा बेटा। छोटी सी टर्म है, कई बार एक नंबर में एग्जामिनर पूछते हैं, तो वी आर टू बी एक्स्ट्रा। अच्छा बेटे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को मैं फॉर द टाइम बीइंग फाइव बोल दूं बेटा, हमें पता नहीं ना ये एंगल कितना है, हमें ये नहीं पता कि वोल्टेज जो है, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारी सर्किट की नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज का क्या मतलब है, इसके इसके और इसके तीनों में आपकी वोल्टेज का फेज इन कंपैरिजन टू द करंट अलग अलग है, तो जब आपका रिजल्टेंट निकलेगा तीनों वेक्टर्स का, हमें नहीं पता होगा कि क्या वोल्टेज 90 डिग्री अहेड है या वोल्टेज किसी और एंगल पे अहेड है या रिजल्टेंट वोल्टेज कहीं डिले बैक तो पीछे तो नहीं रह गई करंट से, ये भी तो हो सकता है ना। डायग्राम देखिए जरा, डायग्राम में आप ये चीज अज्यूम करके चल रहे हो कि वी एल बड़ा है, किया है जीरो अभिषेक की नहीं किया है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, इट इज फॉर ए इंडक्ट फॉर एन इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इसमें आपने ये अपने मन ही मन में ज्यूम कर लिया कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, अगर पुत्र कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका यही ग्राफ नीचे को आ जाएगा, उस केस में आपका ये ऐसे हो जाएगा बेटे ऐसे, और ये नेगेटिव भी आ सकता है। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इट इज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये जी हमेशा ऊपर ही रहना है, ऐसा नहीं है। सो अपने माइंड में रखिएगा, फॉर इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट्स आपका फाइव उत्तर पॉजिटिव होगा, एंड डियर चिल्ड्रन फॉर द कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट आपका ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा रिजल्टेंट, और आपका फाइव जो है अपने आप क्या हो जाएगा अभिषेक, नेगेटिव हो जाएगा, कहीं और पहुंच गए थे आप, ठीक है। सो आइए आगे बात करके देखिए, मैं आपको टर्म बता रहा था बेटा, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल जो है दैट इज कॉल्ड बेटे एडमिटेंस। एडमिटेंस बेटा इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। इम्पीडेंस जो है बेटा इसके यूनिट्स ओम होते हैं, इसके ओम इनवर्स हो जाएंगे। अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछे, वी विल सिंपली बी सेइंग दैट कि एडमिटेंस जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द हाँ जी इम्पीडेंस, राइट। ऐसे ही एक टर्म है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस बेटे डियर चिल्ड्रन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपका जो है नेट इंडक्टेंस आपकी कैपेसिटेटिव एंड इंडक्ट सॉरी इंडक्टेंस नहीं रिएक्टेंस मैंने बोलना था इंडक्टेंस में बोल गया, आपकी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इनका जो भी रिजल्टेंट होगा ये ससेप्टेंस उसका पुत्र उल्टा है। सो इन दिस मैनर आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट्स का पुत्र ध्यान रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली हमें मैनेज भी करना पड़ेगा। अब बेटे देखो, आप लोगों ने इम्पीडेंस तो निकाल लिया लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका एंगल फाई कितना है, ठीक है जी। फाई निकालने के लिए आप टेंजेंट ऑफ एंगल फाई बेटा निकाल लो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो जिस पे ये टिक लगाया हुआ है, इस ट्रायंगल में आपका टेंजेंट ऑफ एंगल फाई दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड आएगा। अभिषेक ये साइड कितने है? ये अरे वी एल माइनस वी सी, ये आपने लिखा है एल है बेटे, एल एच नहीं है, वी एल माइनस वी सी और ये क्या है वी आर है। सो दिस इज बेटे वी आर, और वी एल को क्या लिखूं मैं, आई इंटू एक्स एल, आई एक्स एल, आई एक्स सी, आई आर सिंपली। आई आप यहां से कॉमन ले लो,
न्यूमिनेटर से ये ऐसे आ जाएगा, आई विल गेट कैंसिल बेटा, और आपके पास जो टेन फाई है ये बेटे बन गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात अगेन नोट करने वाली है, इफ दिस एंगल फाई को आप एनालाइज करना चाहें, इफ एक्सएल इज मोर देन एक्सी, फाई विल बी पॉजिटिव, टेन फाई विल बी पॉजिटिव, योर सर्किट विल बी इंडक्टेंस डोमिनेटेड। अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा हो जाए देन फाई विल बिकम नेगेटिव, जैसे हम बात कर ही रहे थे। तो आइए मैं लिख ही देता हूं बेटा, इफ एक्सएल इज मोर देन एक्सी, ये चीज आपका टेन फाई इट विल बी पॉजिटिव, फाई विल बी पॉजिटिव, आपका सर्किट जो है इंडक्टेंस डोमिनेटेड रहेगा। और अगर कहीं उल्टा हो जाए, आपका एक्स सी बड़ा हो जाए, इधर लिख देता हूं एक्स सी मोर देन एक्सएल हो जाए, टेन फाई इट विल बिकम नेगेटिव, फाई विल बिकम नेगेटिव, आपका जो सर्किट है ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट जो है ये कहलाएगा। सो बेटे इन दिस वे आपने अपने सर्किट का एनालिसिस कर लेना बेटे, राइट पुत्र अभिषेक, क्लियर है सारा बेटे अब? हाँ जी बेटे। अब बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन इसी केस में है, दैट इज बेटे रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन पे होता क्या है, आइए समझें जरा डिटेल में बेटा। रेजोनेंस इन एल सी आर सीरीज सर्किट बेटा, यहां से आप डेफिनेटली 110% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में कि रेजोनेंस कंडीशन के साथ रिलेटेड कुछ भी चीज जो है एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बेटा इस टॉपिक की रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। और जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको हर एक बार एक नए अंदाज में मिलेगा यही टॉपिक। सो आइए देखें बेटा, रेजोनेंस इन एल सी आर सीरीज सर्किट बेटे, रेजोनेंस कंडीशन सबसे पहली बात तो ये है कि क्या है रेजोनेंस कंडीशन। इसमें बेटे आप अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर हो जाएं कहीं, आपका अगर एक्स एल जो है इट बिकम्स इक्वल टू एक्स सी, ये आपकी बेटा रेजोनेंस सर्किट में तब हो जाती है। अब आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें बेटा, एक्सएल को आपने बच्चे क्या लिखा था अभिषेक, एक्सएल XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा L नहीं लिखा था, चेक करिए जरा, XL हमने जब डिस्कस किया था AC अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टर, वो देखना जरा उसका रिजल्ट क्या निकाला है आपने, AC अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टर, वहां पे आपने ओमेगा इंटू L को XL लिखा होगा, जरा चेक करके देखिएगा, लिखा हुआ मिल गया पुत्र, आपका जो एक्स एल है बेटा ओमेगा एल के बराबर हुआ करता है। आपको ये डिस्कस भी किया था हमने कि डीसी के लिए ये जीरो होता है, एसी को ये थोड़ा बहुत अपोज करता है, डीसी को बिल्कुल भी नहीं करता, समथिंग लाइक दैट आपने किया भी था। एंड डियर चिल्ड्रन एक्सी दिस इज वन बाई ओमेगा सी था पुत्र जी, दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी, इसको जस्ट बेटे डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी की फ्रीक्वेंसी से आप यहां पर ओमेगा नॉट डाल देते हो। ओमेगा नॉट का मतलब होता है कि आप रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हो, राइट? सो ओमेगा नॉट को इस तरफ ले जाइए, एल को इस तरफ ले जाइए, ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन एल सी बच्चों आ जाएगा। एंड और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओमेगा नॉट आपका 1 अपॉन रूट एल सी बेटे डियर चिल्ड्रन बना, और ओमेगा नॉट तनवीर पुत्र किसके बराबर होता है,
टू पाई न्यू नॉट लिखा था हमने कहीं? हाँ जी पुत्र जी, राइट। देन इट विल बी वन बाई एल सी रूट आ जाएगा जी। आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है एंड न्यू नॉट इट विल बी वन बाई टू पाई रूट एल सी। ये बच्चों आपकी रेजोनेंस की स्टैंडर्ड कंडीशन बन गई कि आपका रेजोनेंस होगा कब? जब आपकी फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टू पाई स्केयर रूट ऑफ एल अपॉन सी के बराबर होगी, तब रेजोनेंस हो जाएगा। जरा चेक करके देखें कि रेजोनेंस पर हमारा इंपीडेंस कितना है। अभिषेक देखना बनता है ना, एक बार जरूरी है भाई, देखना चाहिए। तो आइए देखें, इंपीडेंस एट रेजोनेंस। हाँ जी अभिषेक जी, जरा जेड का इक्वेशन लिखवाएंगे आप? ऐसे मत कहा करो यार। XL माइनस XC का स्क्वायर एंड साथ में R का स्क्वायर के VR का स्क्वायर था, यही था यही था। अब जब आप रेजोनेंस की बात करते हो, आपका XL XC के बराबर होता है, यही बात हमने कही है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर आपका जीरो हो गया। जेड किसके बराबर आ गया डियर चिल्ड्रन? आर स्केयर के स्केयर रूट के। ये कट गया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यस, जेड इज इक्वल टू आर। इसका मीनिंग बच्चों क्या है फिजिकली, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप रेजोनेंस कंडीशन पे डिस्कशन कर रहे हो, आपके इस सर्किट का इंपीडेंस सिर्फ इसके रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है, ये इनका मीनिंग ही खत्म हो जाता है। ठीक है जी, आपका जो एल सी आर सर्किट है, जरा बेटे ध्यान से समझने वाली बात है पुत्र, ध्यान देना एक बार। एट रेजोनेंस योर एल सी आर सीरीज सर्किट इट बिहेव्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इनका कोई फिर आपका अपोजिशन नहीं रह जाता। राइट पुत्र जी। सो डियर चिल्ड्रन, ये लाइन को जरूर नोट कर लीजिए, एट रेजोनेंस योर एल सी आर सीरीज सर्किट इट बिहेव लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बेटा। सो एट रेजोनेंस एल सी आर सीरीज सर्किट बिहेव्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको वो न्यूमेरिकल पूछेंगे बड़े, उनमें वो कह देंगे जी फॉर एल सी आर सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस इतना लिखने के बाद एल इज दिस मच, सी इज दिस मच, आर इज दिस मच। ठीक है जी, सारा डाटा दे देंगे, बीच में कहीं रेजोनेंस जरूर लिखा होगा। अगर डायरेक्टली नहीं लिखा होगा तो इनडायरेक्टली कोई हिंट होगा, देन वहां पे आपको कुछ वो ये निकालने को कह देंगे, करंट वगैरह निकालने को कह देंगे, तो हमें अकॉर्डिंगली बेटा मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा पुत्र, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा सा टेन फाइव को भी देखना बनता है कि नहीं? तनवीर हाँ जी, क्या कहते हो आप? तनवीर देख लें, टेन फाइव हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर था, लेकिन रेजोनेंस पे तो ये बराबर हो गए, बराबर हो गए हैं ना। एट रेजोनेंस डियर चिल्ड्रन एक्स एल एक्स सी के बराबर है, इट विल मीन दैट टेन फाइव कितना हो गया? जीरो हुआ पुत्र अभिषेक के? नहीं हुआ। फाई कितना हुआ फिर? ये भी जीरो ही हो गया ना। फाई का जीरो हो जाना क्या सिग्निफाई करता है? एनी वन फ्रॉम योर साइड? इधर भी बैठे हैं बच्चे, आदित्य, अभी, ध्रुव, समरथ, पवन, सिया, वंशिका, अभे, अंशिता, अरुषि, भव्या, भूमिका, क्षितिज, मानविया, रोहन, शुभी, सुप्रिया, तानिश, वंशनूर, इश्वनीत, आप बोलो बेटा, इश्वनीत। वेरी राइट, वेरी राइट। और थोड़ा सा सोचिए, इश्वनीत, इश्वनीत, अभी सुन नहीं रहा, इश्वनीत, अरुषि पुत्र,
अरुषि यस सर। हाँ जी बेटे, 5-0 हो जाना क्या इंडिकेट करता है? अरुषि बेटा, 5 का 0 हो जाना क्या इंडिकेट करता है? फिजिकली बेटे क्या सिग्निफाई करेगा ये? सर इट मीन्स कि फेज डिफरेंस 0 हो गया। हाँ जी बेटे, हाँ जी, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स बेटे, एक बार फिर से। फाई हमने बनाया था फेज एंगल वोल्टेज और करंट में। अगर ये 0 हो गया तो ये डायरेक्टली बेटे इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट में करंट और वोल्टेज में अभी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहा। दे आर करंट और वोल्टेज, दे आर इन फेज। और बच्चों आप अच्छे से जानते हो ये सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में ही ऐसा होता है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो करंट और वोल्टेज एक ही फेज में है, इन दोनों में इनमें फेज डिफरेंस है। अब आप जब रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हो तो आपका फाई 0 आ रहा है, तो ये आपकी इसी बात को जस्टिफाई कर रहा है कि आपका सर्किट अभिषेक कैसे बिहेव कर रहा है एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो डियर चिल्ड्रन, फाई का 0 आ जाना अगेन आपको यही इंडिकेट कर देता है कि आपके एलसीआर सीरीज सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज विद ईच अदर हैं। और अगर वो इन फेज विद ईच अदर हैं तो ऑब्वियसली बेटा आपका सर्किट जो है इट विल बी लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, कई बार पूछा जाता है कि आप रेजोनेंस कंडीशन को लेकर अपना जो आई और बी का ग्राफ है इसको प्लॉट करके जस्टिफाई करके बताइए कि कैसे कैसे आप रेजोनेंस कंडीशन पे करंट्स को प्लॉट कर पाओगे। सो डियर चिल्ड्रन अगेन, अगर मैं इन वर्टिकल एक्सिस पे बेटे करंट ले लूं, इमेजिन कर लीजिए इस तरफ हमने करंट आई इमेजिन कर रखा है और ये आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बेटा, इन एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी इमेजिन कर रखा है। जरा ध्यान से देखिएगा डियर चिल्ड्रन, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाता है ये, और ये जो पीक वैल्यू है ये आपको इंडिकेट कर देती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉर्म। क्यों पुत्र? क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो करंट है ये बेटे अदरवाइज तो वोल्टेज अपॉन जेड के बराबर था। अब आप रेजोनेंस की बात कर रहे हो तो जेड आपका किसके बराबर है? आर के बराबर। सो अगर ये रेजोनेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है या ज्यादा है, तो यहाँ Z आपका इसमें XL और XC कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये बड़ा हो जाएगा R से, और अगर बड़ा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। और इससे देखिए इधर वाली फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली करंट कम है, इधर वाली फ्रीक्वेंसीज के लिए भी करंट कम है। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी, एक खास फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, इस वैल्यू पे आपका करंट पीक वैल्यू, पीक और मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। और एग्जामिनर आपको एक कह रहे थे कि ग्राफ ये भी है और आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, देन फिर वो कह देते नहीं जी एक और भी ग्राफ आपको दिया गया है कुछ ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हो। और फिर वो आपको कह देंगे नहीं जी ये आपका R3 है, ये R2 है, ये R1 है। तो R1 बड़ा हुआ, R2 बड़ा हुआ कि R3? अभिषेक इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाइए, अभिषेक R1 R2 R3। R3 सबसे ज्यादा, पक्की बात है? अगर R3 ज्यादा होगा तो करंट कम नहीं पड़ जाएगा? ये करंट ज्यादा है, R3 छोटा नहीं होना चाहिए। अरे बेटे क्या करते हो आप, ध्यान दो। ये देखो करंट को, इस रेजिस्टेंस के लिए करंट सबसे ज्यादा है सर्किट में। अरे है तो करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। वो आप उल्टा नहीं बोल रहे हो, R3 विल बी लेस देन R2, ये R2 के कोरस्पॉन्डिंगली करंट है, इट विल बी स्टिल लेस देन R1। ये पॉइंट वो स्पेशली पूछते हैं एग्जामिनेशन में, आपको कुछ छोटी मोटी वैल्यूज भी दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसको करके दिखाइए, निकाल के बताइए। हाँ जी,
यही कहा था? ओके मुझे गलती लग गई, हो जाता है कई बार। सो बेटा ये आपका टेट रेजोनेंस करंट और वोल्टेज के बीच में प्लॉट है, स्पेशली बेटे इन फ्रीक्वेंसीज के बारे में एग्जामिनर आपको बहुत पूछते हैं, आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। राइट पुत्र, चलें आगे। एक छोटी सी चीज और है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू योर एलसीआर सीरीज सर्किट। मैं एक बार ब्रीफली बेटे रिपीट ही कर देता हूं हमने इस केस में कौन कौन सी बातें की हैं। सबसे पहले तो आप एलसीआर सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन आप उसका इम्पीडेंस निकालोगे, जेड निकालोगे। जेड निकालने के बाद आपने टेन फाई निकाल लिया बेटा। टेन फाई निकालने के बाद आपने कहा विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर जेड कि आपका जो सर्किट है क्या ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड है या क्या ये आपका कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट है। ये एनालिसिस करने के बाद फिर आपने डियर चिल्ड्रन रेजोनेंस कंडीशन की बात की। रेजोनेंस कंडीशन पे आपका इम्पीडेंस जो है ये आर के बराबर आ गया। आपने कह दिया कि आपका जो सर्किट है इट इज बिहेविंग लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और इस केस में आपका फाई जीरो आ रहा था, यहाँ लिखा था, रब कर दिया है। फाई का जीरो आ जाना फिर वही सिग्निफाई करेगा कि आपकी वोल्टेज और करंट इन फेज है बेटा। एंड देन आफ्टर दैट बेटा सबसे जरूरी चीज, आपने ये ग्राफिकली ये इस चीज को प्लॉट करके बताया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है। सो दिस इज द वे टू डील विद द थिंग्स बेटा। राइट जी, चलें बच्चों आगे। अब इसके बाद बेटे हमारे पास से क्वालिटी फैक्टर और क्यू वैल्यू ऑफ एलसीआर सर्किट बेटा। लेट अस गो फॉर विद दैट क्वालिटी फैक्टर और क्यू वैल्यू ऑफ योर एलसीआर सीरीज। हां जी बेटे, चलो हेडिंग लिख लेते, पता चल कल याद तो रहेगा ना आपको कहां से करना है। एलसीआर क्वालिटी क्यू वैल्यू ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो कल बेटे यहां से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल बेटा, कल आगे काम करते हैं बेटा, कोशिश करेंगे कि चैप्टर